अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। डैड, प्राची का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। डैड, प्राची उसे कुछ नहीं होगा। तो तेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद उसे कुछ नहीं होने देगा। तू परेशान मत हो, लिफ्ट में नेटवर्क काम नहीं करता है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी। उत्तर, प्यार का दूसरा नाम है भगवान। भगवान कभी उन कहानियों को खत्म नहीं होने देता जिसमें सच्चाई होती है, और तेरा प्यार कहानियों में खत्म नहीं होगा। तेरा प्यार प्राची तक जरूर पहुंचेगा। तू परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा पुत्र, कुछ नहीं होगा। अरे ये सब क्या है? सर ये मेरा लेटर है। मैं इस ऑफिस से, इस कंपनी से, अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहती हूँ। तुमने ये जो किया है ना, उसकी वजह से हम अभी एक ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। बहुत अजीब हो जाएगा, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। ये ऑफिस का कुछ सामान है जो गाड़ी में रखना है। तुम ऑफिस का सामान गाड़ी में क्यों रख रही हो? एक्स्ट्रा सामान था, घर ले जा रही हूँ, वहाँ काम आएगा, ऑफिस में काम नहीं आएगा। वैसे तुम्हें अब काम करने की जरूरत तो नहीं है? मतलब जो तुम्हारा बॉस है अब तो वो तुम्हारे घर का ही हो गया ना, तो फ्यूचर तो तुम्हारा उसी के साथ। एक सेकंड, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इतने साल उसी में जो मेहनत कर रही हूँ, जो कुछ भी सक्सेस मैंने कमाई है, वो अक्षय की वजह से? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। नहीं, तुम्हारा यही मतलब था, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आई होप तुम समझो। अक्षय एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को बिजनेस के साथ मिक्स नहीं करता। और सिमिलरली जो मिस्टर अशोक टंडन है, मतलब जो मेरे बॉस और अक्षय के डैड, वो इतने बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बने। वो भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते हैं। आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता, और तुम्हारा मतलब क्या है मैं जानती हूँ। तुम कभी नहीं जान पाओगे, समझ पाओगे अक्षय को या फिर टंडन सर को, कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते हैं, दोनों मिक्स नहीं करते। बिजनेस इज डिफरेंट, पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट। और जो उनके साथ उनके अंडर काम करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। स्पेशली जब कोई इंसान टैलेंटेड हो, डिजर्विंग हो, हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, भले ही काम उसे कम आता हो या धीरे से आता हो, तो उसे एक मौका देते। टैलेंट की परख करने का टैलेंट है उनमें। अक्षय एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही प्रोफेशनल है, लॉयल है, डेडिकेटेड, दूसरों को मौका देता है, टैलेंटेड। समझ गया कैसा है अक्षय। समझ गया? क्या समझ गया? तो तुम समझाना चाह रही हो? क्या समझाना चाह रही? अक्षय ये, अक्षय वो, समझ गया। अक्षय ये, अक्षय वो, क्या जो तुम तारीफों के पुल बांधे जा रही हो अक्षय के, मैं समझ गया प्राची, I got it। हाँ, क्योंकि वो तारीफ डिजर्व करता है। अगर एक इंसान तारीफ के काबिल है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम? मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे, ना मुझे मिस्टर अशोक से प्रॉब्लम है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसको तुम पसंद करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है। वो अच्छा है इसलिए अच्छा लगता है। मुझे क्या, मुझे किसी को भी अच्छा लगे। तुम्हें भी तो इसलिए अच्छा लग गया ना। चलो अच्छी बात है, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है अब। गुड। या एग्जैक्टली, वैसे जैसे तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल रहा है, वैसे है ना? क्या क्या क्या? मुझे क्या चाहिए था? तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें क्या चाहिए? ओ गॉड, बैठ जा। ओके, या बच गए? यस, ओह थैंक गॉड, हम तो बच गए, लेकिन अक्षय नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। मतलब तुम्हारा हमसफर बनने वाला है ना, वो तो उसकी तो बैंड बजने वाली है। तुम्हारी जीके जीरो, तुम्हारे लड़ाई करने का जो एंथुजियाज्म है वो तो अव्वल है, 100 marks है उसके अंदर। तुम्हारा सा रहना आसान नहीं है, तुम्हें पता है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत ही जिगरा चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ दैट मैन, एंड आई एम श्योर, मैं बता रहा हूँ तुमको कि उसका 2 दिन में मुझे फोन आएगा, 2 दिन में। और मुझे फोन करके बोलेगा कि रणबीर, तुमने मुझे प्रपोज करने में हेल्प क्यों करी? क्योंकि मैं भी वही पूछ रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बिगाड़ा था तुम्हारा, क्यों किया हेल्प तुम्हें उस दिन, क्यों? मैंने परेशान किया था? नहीं, तुमने मुझे परेशान नहीं किया था। मैंने दोस्ती में कोई प्रपोज, वो भी मुझे। अरे मुझे नहीं पता था। अच्छा? हाँ, I swear। और पता होता तो? पता होता तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो अच्छा ही लगा ना, तुमने ना थोड़ी बोला उसको। और तुमने क्या किया?
तुम्हें रिया अच्छी लगती है? तुम सवाल के बदले सवाल क्यों कर रही हो? तुम सुधरती क्यों नहीं हो? जब तक तुम नहीं सुधरती ना तब तक वैसे ना अच्छा ही हूँ, अक्षय ने मुझे प्रपोज किया, मैं तो बहुत खुश हूँ। ओहो, मैं भी वैसे दुखी तो हूँ नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। रिया के साथ ना मेरी जिंदगी आगे बढ़ने वाली। I'm so happy. Can you see it? देखो, हम ये सब बोलना बंद कर सकते हैं प्लीज? Can we just stop? Please? Okay. क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? क्या हुआ? मुझे ना अजीब सा फील हो रहा है। अजीब सा मतलब कैसा फील हो रहा है बोलो? सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, सिर्फ अजीब सा लग रहा है। शीफ को भी यही प्रॉब्लम थी। तुम अपने डैड पे गई? शायद। सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, मेरी तरफ देखो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। इस बारे में मत सोचो, इस बारे में सोचो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा मोमेंट कौन सा था। तुम्हारी लाइफ में वो मोमेंट कब था जब तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई थी? कोई ऐसा मोमेंट जहां पे तुम्हें कंप्लीट फील हुआ था, उस मोमेंट के बारे में सोचो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।